हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए भेज पुलाव और दाल तड़का की रेसिपी लेकर आई हूँ। यह हर घर में पसंद किया जाने वाला डिश है। इस भेज पुलाव और दाल तड़का का टेस्ट ऐसा होगा जैसा हम शादियों या पार्टीज में खाते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसे बनाने के लिए मैं एक बॉल ली हूँ। इसके बाद मैं इसमें एक कटोरी चना दाल डाल दूँगी, एक कटोरी मूंग डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। इसे धोने के बाद मैं इसमें लगभग 50 ग्राम राजमा डाल दूँगी, जिसे मैंने एक घंटे पहले पानी में भिगने के लिए रख दिया था। राजमा को भिगोने से इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसके बाद मैं एक कुकर लूँगी, इसमें मैं सारे दाल को डाल दूँगी। इसके बाद मैं इसमें एक से डेढ़ गिलास पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूँगी और ढक्कन लगाकर इसे 6 से 7 सीटी लगने तक इसे पका लूँगी। इसके बाद मैं एक कढ़ाई लूँगी, इसमें मैं तेल डाल दूँगी। तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें हींग डाल दें। मैं इसमें एक चुटकी हींग डाल दी हूँ। इसके बाद मैं इसमें सरसों डाल दूँगी। जब सरसों चटक जाए तो इसमें पत्रस डाल दूँगी। पत्रस डालने के बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी और फिर इसे अच्छे से भून लूँगी लाइट ब्राउन होने तक। इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। प्याज भूनने के बाद इसमें मैं अदरक और हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल दूंगी और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी। 1 से 2 मिनट होने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। इसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच जीरा मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी और डालकर इसे हल्का सा पानी डालकर मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी और लगभग 2 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूंगी और फिर इसे अच्छे से भून लूंगी जब तक कि टमाटर हमारा जो है वो गल ना जाए। मसालों को अच्छे से भूनने से जो हमारा दाल तड़का है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मसालों को अच्छे से भून लेना है। देखिए, हमारा जो मसाला है वो भून चुका है, हमारा दाल भी अब तक पक चुका होगा। तो हम एक बार अपना दाल चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरी जो दाल है वो पक चुकी है। मैं इसे चला लेती हूँ एक बार, मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। हमारा जो दाल है वो देखिए अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसे ले लूँगी। हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से भुन चुका है। अब मैं सारे दाल को मसालों में डाल दूँगी। मसालों में डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी कुकर में डाल दूंगी और फिर वो पानी सब्ज़ी में डाल दूंगी। लगभग मैं 1 गिलास पानी ली हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद लगभग 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी ताकि अच्छे से पक जाए मसालों के साथ। जब तक हमारा तड़का हो रहा है तब तक मैं चावल ले लूँगी। लगभग 2 कटोरी चावल मैं ली हूँ भेज पुलाव बनाने के लिए और फिर इसे अच्छे से धो लूँगी ताकि चावल में जो स्टार्च होता है ना वो निकल जाए। देखिए, मैं चावल को धो ली हूँ। इसे मैं लगभग 10 से 12 मिनट के लिए पानी में ही रहने दूँगी। तो एक बार मैं अपना तड़का चेक कर लेती हूँ। हमारा तड़का जो है वो बन चुका है। मैं इसे अच्छे से चला लेती हूँ पहले।
आप देख सकते हैं मेरा जो तड़का है वो रेडी हो चुका है। तड़का होने के बाद मैं इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दूंगी और इसे एक बॉल में निकाल लूंगी। इसके बाद मैं भेज पुलाव बना लेती हूँ। तो भेज पुलाव बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई ली हूँ, इसमें मैं लगभग 3 से 4 चम्मच घी डाल दूंगी। जब घी गर्म हो जाए तो मैं इसमें एक बड़ी इलायची डाल दी हूँ जिसे मैंने हल्का सा तोड़ दिया है। इसके बाद मैं इसमें लगभग 4 छोटी इलायची, 2-3 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, जावित्री, सहजीरा डाल दी हूँ और घी में मिक्स कर दूंगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें कैप्सिकम और गाजर डाल दूंगी जो मैंने पतले पतले और लंबे स्लाइस में काट लिया है, और इन सब्जियों को मैं लगभग 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें काजू और किशमिश डाल दूंगी। काजू और किशमिश को भी मैं लगभग 1 से 2 मिनट भून लूंगी। एक से दो मिनट हो चुका है और मेरी जो किशमिश है वो देखिए एकदम फूल चुकी है। हमारा काजू किशमिश जो है वो भून चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक और लगभग 4 से 5 चम्मच चीनी डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैं 2 कटोरी चावल ली हूँ तो इसमें मैं 4 कटोरी पानी डालूंगी। आप जितना चावल लेंगे उसका 2 गुना पानी डालेंगे तभी हमारा जो भेज पुलाव है वो खिला खिला बनेगा। पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमारा जो चावल है वो देख सकते हैं आप, ये फूल चुका है। मैं इसे आपको दिखाती हूँ, देखिए हमारा जो चावल है वो फूल गया है हल्का सा। अब मैं सारे चावल को पानी से छानकर इसमें डाल दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरी ये जो रेसिपी आपको कैसी लगी। चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए ढक दूंगी। 10 से 12 मिनट हो चुका है, देखिए हमारा जो पुलाव है वेज पुलाव वो बन चुका है। मैं आपको इसे चलाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा जो वेज पुलाव है वो कितना खिला खिला बना है। ये जितना अच्छा लग रहा है ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट लगेगी आपको। और हमारा जो तड़का था वो भी मैं बोल में निकाल ली हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो तड़का और पुलाव है वो दोनों कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप एक बार मेरे तरीके से ये भेज पुलाव और तड़का बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको तड़का और पुलाव मिक्स करके दिखाती हूँ कि ये कैसे बनी है। देखिए हमारा जो पुलाव है वो कितना खिला खिला बना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।